टिंकर कैट की सीरीज में आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें एसी वोल्टेज को हम समझेंगे और उसको एसी वोल्टेज को हम टिंकर कैट में कैसे जनरेट करा सकते हैं। अगर हमें एसी पावर सप्लाई चाहिए होगी तो हम एसी पावर सप्लाई को कैसे ले सकते हैं, और अगर हमारी एसी पावर सप्लाई सर्किट में यूज़ हो रही है तो एसी वोल्टेज नापना भी पड़ेगा, मेजर भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सी डिवाइस हमें यहाँ चाहिए होगी, तो हम ये सब देखने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि एसी वोल्टेज पे अगर आपको काम करना है तो पहले एसी वोल्टेज समझना होगा। तो एसी वोल्टेज इस तरह से वेव्स फॉर्म में चलती है, जो हमारे घरों में एसी करंट होता है जिससे टीवी फ्रिज चलती है, वो इस तरह से वेव्स फॉर्म में मूव करती है। तो इस तरह से वेव्स फॉर्म में जो मूव करती है तो इसको हम और डिटेल में देखेंगे। तो इसके ऊपर वाले पोर्शन को, ऊपर वाला जो हाफ सर्कल जा रहा है, इसको हम पॉजिटिव शिफ्ट बोलते हैं, और ये जो नीचे जाता है इसको हम निगेटिव शिफ्ट बोलते हैं। तो अगर हमारे कोई जैसे बल्ब अगर एसी करंट से कनेक्ट कर रखा है हमने, तो अगर जब उसमें ये पॉजिटिव जाता है तो बल्ब हमारा ऑन होता है, जब ये निगेटिव जा रहा है तो उस समय बल्ब हमारा ऑफ होता है। पर जो हमारे घरों में बल्ब या टीवी या जो भी चल रहा है उसमें 1 सेकेंड में 60 हर्ट्ज़ यानी 60 टाइम अप एंड डाउन चल रहा है ये वेव्स। तो इतनी स्पीड में चलता है जिसकी वजह से हमारे जो बल्ब होते हैं वो ऑन ऑफ तो होते हैं लेकिन इतनी स्पीड में हमारी आंखें उनको कैप्चर नहीं कर पाती हैं। तो हम इसको स्लो फॉर्म में देखेंगे कि ये कैसे करेगा। तो हमने देखिए इसके पॉजिटिव वाले शिफ्ट को अलग करके रखा हुआ है, निगेटिव वाले शिफ्ट को अलग करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर फंक्शन जनरेटर होता है जिससे हम एसी करंट को जनरेट कर सकते हैं अगर हमें एसी पावर चाहिए होगा टिंकर कैट में। और ऑसिलोस्कोप नाम का एक डिवाइस होता है जिससे हम इस एसी करंट को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एसी करंट चल रहा है वो पॉजिटिव वे में भी चल रहा है, जो रेड कलर की वेव्स देख रहे हैं सारी पॉजिटिव हैं, और जो नीचे चल रही हैं ब्लैक कलर की वेव्स ये सारी नेगेटिव हैं। तो नेगेटिव वेव्स जब होती हैं तो बल्ब को पावर नहीं मिल रही होती है, और जब पॉजिटिव वेव्स चल रही हैं तो बल्ब को पावर मिल रही होती है। तो हम चलेंगे इसको टिंकर कैट में यूज़ करेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं टिंकर कैट में, और यहाँ पर आप ऑल पे क्लिक कर लेना। कंपोनेंट्स में जाके ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक फंक्शन जनरेटर मिल रहा है। तो आप स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर नीचे अगर आपको नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर फंक्शन जनरेटर लेते हैं। फंक्शन जनरेटर हम किस लिए लेते हैं? अगर हमें एसी करंट चाहिए, एसी वोल्टेज पे काम करना है, या एसी पावर सप्लाई हमें चाहिए होगी तो हम फंक्शन जनरेटर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फंक्शन जनरेटर में कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनको हम समझेंगे ये आइकन्स क्या हैं। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इस फंक्शन जनरेटर से हम कोई डिवाइस को जला लेते हैं। तो हम इधर देखेंगे कि ये जो एसी पे जलाने के लिए हमारे पास में जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट, वो है यहाँ पर बल्ब। तो हम इस बल्ब का यूज़ करने वाले हैं। तो इसका हम एक एक टर्मिनल जो है, एक वायर जो है पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे और दूसरे को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो हमने बल्ब को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया एक टर्मिनल को, और बल्ब के दूसरे टर्मिनल को हमने नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर समझने के लिए हम वायर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। एक वायर नेगेटिव कर दिया और पॉजिटिव वाले को रेड से कनेक्ट कर दिया। अगर हम सिमुलेट कराएंगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि बल्ब आपका ऑन हो गया है, जल गया है। तो यहाँ पर बल्ब हमारा ऑन हो गया है, ठीक है। पर अब हम समझते हैं यहाँ पर सारे जो फंक्शन है ये क्या कर रहे हैं। तो देखिए ऊपर का जो फंक्शन है ये 1 किलो हर्ट्स लिखा हुआ है, तो 1 किलो हर्ट्स का मतलब 1000 हर्ट्स। तो यहाँ पर अगर हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो एक पैनल खुलेगा जिसमें इसकी सारी वैल्यू आ रही है। तो वो ये वही वैल्यू है जो यहाँ पर आप देख रहे हो, और यहाँ पर भी वही वैल्यू है। तो ये 1 किलो हर्ट्स क्या है, यहाँ पर देखिए हर्ट्स फ्रिक्वेंसी है कि 1 सेकेंड में ये जो फंक्शन, ये जो रिपल्स है, जो वेव्स है इसी का कितनी बार अप एंड डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1 सेकेंड में ये 1000 बार अप एंड डाउन होगा। तो आप समझ लो कि इतनी स्पीड में अप एंड डाउन हो रहा कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि बल्ब कब ऑन हो रहा है, कब ऑफ हो रहा है। तो आपको लग रहा है बल्ब कंटिन्यूसली जले जा रहा है, पर ऐसा नहीं है। तो हम देखेंगे पहले, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को कम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये हमें दिखाई दे कि ये अप एंड डाउन हो भी रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 1 टाइप कर दिया। जैसे हमने 1 टाइप किया तो आप देखोगे यहाँ पर कि ये 1 सेकेंड में अप एंड डाउन जो हो रहा है वो अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं समझ में आ रहा। तो हम इसको सबसे पहले 3 फॉर्मेट दिए हुए हैं। तो ये यहाँ पर जो फॉर्मेट दिया है वो स्क्वायर फॉर्मेट में दिया है, ये साइन फॉर्मेट में दिया, वेव्स फॉर्मेट में, और ये ट्राइंगल में। तो हम इसको साइन फॉर्मेट में लगा देते, और हम इसको बल्ब को
देखना चाहते हैं फिर से ऑन ऑफ करके। तो आप देख रहे हो बल्ब ये ऑन ऑफ होने लगा, ये कुछ देर के लिए ऑन हो रहा है, कुछ देर के लिए ये ऑफ हो रहा है। अब क्यों ऐसा दिखाई दे रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर एक सेकेंड में जो अप एंड डाउन चल रही थी ये जो वेव्स, इसको कम कर दिया है। तो ये एक सेकेंड में एक बार ही ऊपर जाएगी और एक बार ही नीचे जाएगी, तो हमें ये बल्ब ऑफ ऑन ऑफ अब दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब ये वेव्स एक बार ऊपर जा रही है तो क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो बल्ब ऑन हो जा रहा है, और जब ये नेगेटिव हो रहा है तो ये बल्ब ऑफ हो जा रहा है। हमने यही देखा था स्क्रीन में कि ऊपर वाला पॉजिटिव शिफ्ट जब होता है तो करंट जाती है बल्ब में, और जो नीचे वाला शिफ्ट होता है तो इसमें करंट बल्ब में नहीं जा रहा है। तो ये इतना फास्ट चल रहा था तो हमने इसको स्लो करके देखा हुआ है। अब देख रहे हैं हम अगर इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, जैसे हमने एक सेकेंड में फ्रिक्वेंसी को हमने एक बार अप एंड डाउन कराया, हम चाहते हैं एक सेकेंड में दो बार अप एंड डाउन हो, तो बल्ब हमारा थोड़ा सा स्पीड में आ जाएगा। देखिए ऑन ऑफ हो रहा है क्योंकि हमने एक सेकेंड में दो बार ऑन ऑफ कराया। इसी तरह से अगर हम तीन बार कराते हैं तो थोड़ी सी स्पीड में आ जाएगा, और थोड़ा सा स्पीड में करना चाहते हैं पांच बार। तो जैसे हमने पांच बार किया तो आप ध्यान से देखोगे कि इसमें फ्लक्चुएशन ऑन ऑफ हो रहा है लेकिन बहुत ही हल्का हो रहा है, हमारी आंखें इसको पकड़ नहीं पा रही। तो बस आप ऐसा समझ लो कि आपके घर में जो लाइट जल रही है उसमें तो 16 हर्ट्ज होता है, एक सेकेंड में 16 बार अप एंड डाउन। तो ऐसे केसेस में तो आप अपने बल्ब को देख ही पा रहे हो, तो ऐसा लग रहा है बल्ब की जैसे कंटिन्यूसली ऑन है। एक्चुअली में वो कंटिन्यूसली ऑन नहीं है, वो ऑन ऑफ इतनी स्पीड में होता है कि आपको समझ में नहीं आता है, जिसको हमने यहाँ पर आपको बहुत ही स्लो फॉर्मेट में दिखाया है कि बल्ब इस तरह से ऑन ऑफ हो रहा है, एसी करंट इस तरह से जा रहा है। अब हम इसको मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं एसी करंट को, अगर हमें नापना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि वापस से जाना होगा और यहाँ से जहाँ से हमने ये फंक्शन जनरेटर लिया था उसके ठीक बगल में एक ऑसिलोस्कोप मिलेगा। ध्यान रखना ये ऑसिलोस्कोप केवल एसी करंट को नापता है, डीसी करंट को नहीं नापता है, क्योंकि हमने पावर सप्लाई एसी यूज़ करी हुई है इसलिए हम ऑसिलोस्कोप को यूज़ कर रहे हैं। तो ये ऑसिलोस्कोप है, यहाँ पर आप देखोगे ये वोल्टेज दिखाई दे रहा है और हॉरिजॉन्टली यहाँ टाइम दिखाई दे रहा है। तो ये बता रहा है कि इतने टाइम पे इतने वोल्टेज में चेंजेस हो रहे हैं। तो इसके पास भी देखिए प्लस माइनस दो टर्मिनल हैं। तो हम नापना चाहते हैं कि इसमें क्या चल रहा है, तो हम इस वाले ऑसिलोस्कोप को लेफ्ट में ले जाते हैं और इसको हम कनेक्ट करते हैं अपने फंक्शन जनरेटर से। तो ये जो माइनस वाला टर्मिनल है उसको हमने माइनस से कनेक्ट कर दिया है, और जो प्लस वाला टर्मिनल है उसको हम प्लस से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हम देखना चाहते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है, सिमुलेशन पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए वेव्स ऊपर नीचे जा रही हैं, ये देखिए वेव्स नीचे गई फिर ऊपर आई, जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है कि वेव्स अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये नेगेटिव वाला जब है ये नीचे जब जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जीरो लाइन है ये हमारी, तो जब ये वोल्टेज जीरो से नीचे जा रहा है तो बल्ब हमारा नहीं जल रहा है, ऑफ हो जा रहा है, और जब ये ऊपर जा रहा है तो बल्ब हमारा ऑन हो जा रहा है। हम इसको चेंज कर सकते हैं, हम चाहते हैं इसको चेंज करके देखें। तो हम यहाँ पर ऑसिलोस्कोप में हम चाहते हैं कि पर सेकेंड में जो वेव्स दिख रहे हैं वो एक नहीं दिखाई दे, हमको दो बार ही अप एंड डाउन हो। तो हमने यहाँ पर दो बार टाइप कर दिया है, तो आप देखोगे यहाँ पर दो बार, ये एक बार ऊपर यहाँ पर जा रहा है, एक बार ये नीचे, दो बार नीचे यहाँ पर आ रहा है, एक ही और एक ही। तो ऊपर नीचे एक बार ये, ऊपर नीचे एक बार ये, दो फ्रिक्वेंसी हो गई, एक बार ऊपर एक बार नीचे, इसको हम एक फ्रिक्वेंसी कहते हैं। एक प्लस और एक हाफ को मिला के एक फ्रिक्वेंसी कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमने दो फ्रिक्वेंसी लगा रखी है, देखिए आप बढ़ा भी सकते हैं फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर हम पाँच कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये एक सेकेंड में पांच बार ऊपर नीचे जाएगा। तो आप काउंट कर सकते हो, ये नीचे ऊपर एक, नीचे ऊपर दो, नीचे ऊपर तीन, नीचे ऊपर चार, नीचे ऊपर पांच, पांच सेकेंड। इस तरह से फ्रिक्वेंसी जैसे बढ़ाते जाएंगे, और हमारे घरों में हमने बताया 16 हर्ट्ज पर होते हैं। तो देखिए ये ऊपर नीचे हो तो रहा है लेकिन इतना डेंसिटी में दिखाई दे रहा है कि हमें समझ में नहीं। अब ऐसे केस में हमें कहाँ से दिखाई देगा कि बल्ब हमारा ऑन ऑफ हो रहा है? तो आपने यहाँ पर एसी वोल्टेज को समझ लिया है। हम थोड़ा सा इसको स्लो करते हैं, फिर से वन कर देते हैं, एक सेकेंड में एक बार अप एंड डाउन होगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर ये आ रहा है वोल्टेज का, तो इस वोल्टेज को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 10। तो हम यहाँ मिनिमम 0 करते हैं। तो जैसे हमने इसको 0 कर दिया है वोल्टेज को, तो आप यहाँ पर देखोगे वोल्टेज हमारा बिल्कुल से 0 हो गया है। लेकिन इसी वोल्टेज को हम अगर बढ़ाना चाहें तो मैक्सिमम वोल्टेज हम 10 कर सकते हैं यहाँ पर। तो आप देखिए ये 10 अप एंड डाउन होगा, इसकी जो पीक वैल्यू है ये 10 होगी और माइनस पीक वैल्यू जो है ये -10 होगी। तो यहाँ से हम वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह से।
अगर हम शिफ्ट कराना चाहते हैं इस वोल्टेज को, ये जो जीरो लाइन चल रही है, तो ये शिफ्ट के लिए यहाँ डीसी शिफ्ट लिखा हुआ है, अगर हम इसको 5 कर देंगे तो ये 5 शिफ्ट हो जाएगा ऊपर साइड में। देखिए ये जीरो लाइन से ऊपर 5 शिफ्ट हो गया है, पर इससे हमें एसी करंट समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, शिफ्टिंग को जीरो करके रखेंगे। फिर आप यहाँ पर देख रहे हो ये साइन वेव्स कुछ दिखाई दे रहे इसके फॉर्म, तो आप इस वेव्स को अगर आप साइन वेव्स में नहीं देखना चाहते, स्क्वायर वेव्स में देखना चाहते हो, तो आप यहाँ सिलेक्ट करते हो स्क्वायर वेव्स, और या फिर यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो स्क्वायर वेव्स, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर फॉर्म में आपको वेव्स दिखाई देगी, एक डाउन एक अप। तो यहाँ पर आपने एक ही फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करी हुई है, इसलिए एक बार डाउन एक बार अप, तो ये दोनों मिलकर एक फ्रिक्वेंसी बना रहे हैं। अगर आपने यहाँ पर दो या तीन फ्रिक्वेंसी सेट कर रखी होती तो आप देखो यहाँ पर एक बार डाउन एक बार अप, फिर एक बार डाउन अप, फिर डाउन अप, ये तीन दिखाई दे रहे हैं। तो ये फ्रिक्वेंसी है, एक अप एंड डाउन मिलाकर एक फ्रिक्वेंसी है, लेकिन आपने यहाँ पर स्क्वायर में लगा रखा है, इसलिए यहाँ स्क्वायर में दिखा। अगर आप साइन में लगा के रखते तो ये 3 हर्ट्ज़ है, 1 सेकेंड में 3 बार अप एंड डाउन करती फ्रिक्वेंसी, या फिर यहाँ पर ट्राइंगलेट अगर लगा के रखते हैं तो ये 3 बार ट्राइंगल शेप में दिखाई दे रहा, अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा किस तरह से पावर जो फंक्शन जनरेटर है वो किस तरह से एसी वोल्टेज सप्लाई करता है, और हमारा ऑसिलोस्कोप कैसे उसको रीड कर लेता है। तो यहाँ पर हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, पावर को यहाँ से ऑन एंड यहाँ से ऑफ ये भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एसी करंट को कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, और एसी करंट को हमने समझा ठीक से। आने वाले वीडियोस में हम इसको और अच्छे से देखेंगे, और इनके फंक्शन समझेंगे, और इनसे किस तरह के सर्किट बना सकते हैं, जैसे ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हैं, हाफ वेव बना सकते हैं, डायोड को कनेक्ट करके देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना और कमेंट करना। हम अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।